टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दमण। देवका बीच, ये एक रॉकी बीच है और यहाँ पे जो मिट्टी है वो ब्लैक कलर की है। यहाँ रॉकी बीच होने की वजह से आप समुंदर में काफ़ी आगे तक जा सकते हो और बहुत सारा एंजॉयमेंट भी कर सकते हो। यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग बहुत ही पीसफुल एटमोसफेयर होता है। देवका बीच गार्डन जो बीच के बिल्कुल ही पास में है और इसीलिए यहाँ पर बहुत ही शांत एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है। यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा समय भी बिता सकते हो। जामपुर बीच दमण का सबसे पॉपुलर क्राउडेड एंड डेवलप बीच है। यहाँ पर आप बहुत सारी वाटर स्पॉर्ट एक्टिविटी, डिफरेंट राइड, सनसेट को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो। वीकेंड में यहाँ पे बहुत ही भीड़ होती है और लोग यहाँ पे लाइफ टाइम मेमोरी भी क्रिएट करते हैं। सेंट जेरोम फोर्ट, जो नानी दमण फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इस फोर्ट के अंदर एक स्कूल और एक चर्च है। ये जो वॉल देख रहे हो उस पर आप चलते हुए पूरा फोर्ट घूम सकते हो और सराउंडिंग व्यूज को एंजॉय कर सकते हो। नानी दमण जेटी जो सेंट जेरोम फोर्ट के बिल्कुल ही सामने है। जेटी का मतलब होता है बांध, जलबंधक या फिर ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर बहुत सारे जहाज आ जा सकते हैं। लाइट हाउस बीच जो मोटी दमण में लाइट हाउस के बिल्कुल ही सामने है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्राउड बहुत ही कम होता है लेकिन वाटर स्पॉट एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है। ये देखिए कुछ एक्टिविटीज। मोटी दमण जेटी, यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हो। दमण गंगा रिवर को बहुत ही अच्छी तरह से आप देख सकते हो और आई लव दमण जो जगह है वो भी यहीं पे ही है। मोटी दमण फोर्ट, इस फोर्ट के आगे एक छोटा सा और सुंदर सा गार्डन है। यहाँ पर इंडियन आर्मी की एक टैंक भी रखी हुई है, आपको ये जगह जरूर विजिट करनी चाहिए। बॉम जीजस चर्च जो 16वीं सदी में पोर्टुगीज द्वारा बनवाया गया था और ये चर्च मोटी दमण फोर्ट के अंदर ही है। चर्च के बिल्कुल ही पास में है ये गार्डन। दोपहर के समय में आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी कर सकते हो। डोमिनिकन मॉनेस्ट्री, ये स्ट्रक्चर पहले एक चर्च था लेकिन अभी ये एक जर्जरित इमारत है। ये जगह भी मोटी दमण फोर्ट के अंदर ही है। ये सारे प्लेसेस आप एक दिन की ट्रिप में ही विजिट कर सकते हो। दमण में देवका बीच एंड जामपुर बीच मेजर अट्रैक्शन है। अहमदाबाद से दमण का डिस्टेंस करीबन 365 किलोमीटर का है और वापिस से दमण का डिस्टेंस करीबन 12 किलोमीटर का ही है। दमण पहुंचने के लिए एवरी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। आप पब्लिक, प्राइवेट, ट्रेन, फ्लाइट सब कुछ यूज कर सकते हो। दमण में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका लिंक इस वीडियो के एंड में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिल जाएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।